बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का कर रहे हैं, dx अपॉन रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्केयर के बिना, तो हमें क्या करना है, जो साइन का कॉफिशेंट है उसको r cos अल्फा पुट कर देना है, और जो cos का कॉफिशेंट है उसको r sin अल्फा, क्योंकि हमने ये ट्रिग्नोमेट्री में किया था। पुट रूट 3 इज इक्वल टू r cos अल्फा, इसको नंबर 1 दे देते हैं, एंड कॉफिशेंट ऑफ cos x है 1 इज इक्वल टू r sin अल्फा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्केयरिंग एंड एडिंग नंबर 1 एंड नंबर 2। तो देखो रूट 3 का स्केयर 3 आ गया और 1 का स्केयर 1, और ये बना आर स्केयर कॉस स्केयर अल्फा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर अल्फा। तो देखिए ये आ गया 4 इज इक्वल टू आर स्केयर कॉमन कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा, ये क्या होता है 1, तो आर स्केयर इज इक्वल टू 4 मीन्स आर इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। तो अब हमें डिवाइड करके अल्फा भी फाइंड आउट कर लेना है, डिवाइडिंग नंबर 2 बाय नंबर 1। जब करेंगे 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू आर साइन अल्फा अपॉन आर कॉस अल्फा, तो ये हमारे पास बन गया टेन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, और ये 1 बाय रूट 3 किसकी वैल्यू होती है टेन के टेबल में, पाई बाय आपकी देखो पाई बाय 6 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया अल्फा इज 10 पाई बाय 6, तो ये अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 6, ये वैल्यूज हम यहाँ यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे वैल्यू डी एक्स की आपको पहले वैसे रहना है, इसको अपॉन रूट 3 की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमने क्या पुट किया था आर कॉज अल्फा, और साइन एक्स एज इट इज प्लस 1 की जगह पे हमने पुट किया था आर साइन अल्फा और कॉज एक्स एज इट इज। तो ये आर हमारे पास कॉमन निकल रहा है, आर हमारे पास कितना है 2, तो ये 1 बाय 2 मैं बाहर निकाल देती हूँ। डी एक्स अपॉन इसको लिख लेते हैं साइन ए कॉज बी साइन एक्स कॉज अल्फा प्लस कॉज एक्स साइन अल्फा, तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का, तो ये बनेगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का सॉरी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन का उल्ट होता है कोसिकेंट, ये हमारे पास आ गया साइन का उल्ट कोसिकेंट लिख दिया। अब कोसिकेंट एक्स की हमारे पास इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है लॉग ऑफ मॉड टेन एक्स बाय टू, मतलब एंगल का हाफ एक्स बाय टू प्लस अल्फा बाय टू प्लस सी। तो बस हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, और अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा हमारे पास था पाई बाय 6, उसकी जगह पे यहाँ पे लिखेंगे पाई बाय 6 और 2 भी है नीचे, तो पाई बाय 12 बन गया, दैट्स ऑल।